हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन दैट चैप्टर टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्केव मिरर जो है वो इमेजेस कैसे तैयार करते हैं। अलग अलग डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस तरह से अलग अलग टाइप्स की इमेजेस जो है वो कॉन्केव मिरर तैयार करता है। तो आज हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बीच में जो इमेजेस तैयार होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी हमें इस वीडियो में देखना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तब यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर निकाला है। यू कैन सी द कॉन्वेक्स मिरर। एम एन इज अ कॉन्वेक्स मिरर। एफ इज द प्रिंसिपल फोकस। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आगे समझ में। तब हमें इमेजेस कैसे तैयार होती है अब हम देखेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं हम। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसके सामने हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है एंड दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग और ऑपेक्यू पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। द इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आउटर सर्फेस ही रिफ्लेक्टिंग है इसीलिए इसे कॉन्वेक्स मिरर कहा गया है। अब देखेंगे दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये बी ए ऑब्जेक्ट है। देन अब कॉन्वेक्स मिरर जब के बारे में हम इमेजेस देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, यानी कि बिहाइंड द मिरर। द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर एंड इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर इट्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब ये इमेजेस तैयार करते वक्त हमें तीन रूल्स जो है कॉन्वेक्स मिरर के हमें याद रखना है। इसका फोकस पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस बिहाइंड द मिरर। यानी कि इसका रिफ्लेक्शन तो सरफेस से ही होता है लेकिन हमें लगता है कि वो रे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। देन सेकंड रूल इज दैट इफ द लाइट रेज इज पासिंग थ्रू द फोकस, इफ द इंसिडेंट रे इज अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल तो सबको पता है, द लाइट रेज पासिंग अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रेज कैन पास थ्रू द सेम डायरेक्शन, इट कैन बी पास बैक टू द सेम डायरेक्शन। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहली हम मैं रे लिखा रहा हूँ, द रेज विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहां से स्टार्ट हो रही है। सपोज इसे हम कहेंगे ए क्यू रे। दिस ए क्यू रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल्स के हिसाब से क्या होगी, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एंड अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस। अब यहां से रिफ्लेक्ट होगी, आगे समझ लें। देन द रेज ऑफ द लाइट विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो दिस रेज
द इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेम पाथ बैक इन द सेम डायरेक्शन. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका रिफ्लेक्शन होता है. तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये है ये आर, ये आर रे इज appears to be passed through the center of curvature and after the reflection it is reflected and this AQ is parallel to principal axis and it is reflected from the surface and appear to pass through the focus. But here these two rays are cross with each other and at that position the image of the object is formed A dash and B dash. But actually this image is not formed due to क्रॉसिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, ये सरफेस से हो रहा है, लेकिन दीज रेज आर अपियर्स टू बी कम फ्रॉम बिहाइंड द मिरर. ऐसा लग रहा है कि ऐसे जान पड़ रहा है कि ये रेज मिरर के अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी इमेज तैयार होती है जहाँ पे ये इमेजनरी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. देयरफोर दिस इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल. तो इसीलिए इस इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज तैयार बोलते हैं. नाउ यू विल सी हाउ द नेचर एंड द इमेज. तो इमेज के बारे में हम पढ़ेंगे. तो अब यहाँ पे देखिए पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर. तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है. देन पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज इट इज बिहाइंड द मिरर. देन नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज. तब यहां पे हम देख पा रहे हैं तो इमेज इज इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज यहाँ पे तैयार. ये पॉइंट ऊपर है तो यहाँ पे ये पॉइंट की इमेज यहाँ पे तैयार हो रही है ए डैश. बी पॉइंट की इमेज यहाँ पे तैयार हुई प्रिंसिपल एक्सिस पे. जैसा इमेज है सीधा खड़ा है, यानी कि सर ऊपर और पैर नीचे, इस तरह से इमेज यहाँ पे तैयार हो रही है. देयरफॉर दिस इमेज इज इरेक्ट. ये इमेज क्या है, इरेक्ट है. एंड दिस इमेज इज वर्चुअल. ये इमेज क्या है, वर्चुअल है. वर्चुअल क्यों है, बिकॉज एक्चुअली द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट विथ ईच अदर बट दे अपियर्स टू बी मीट एंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर. हमें जान पड़ रहा है कि यहाँ पे मिल रहे हैं लेकिन एक्चुअली रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, सरफेस से हो रहा है. देयरफॉर दिस इमेज इज वर्चुअल. तो वर्चुअल इमेजेस किसे कहते हैं बच्चों, ये यहाँ पे हमेशा याद रखना है. व्हेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म Not meeting the reflected ray, such images are called as virtual images. यानी कि reflected ray actually एक दूसरे को cross नहीं करते हुए जो images तैयार होती है उसे virtual images कहते हैं. And virtual images are always from behind the mirror and these images are not taken on the screen. और उस images को हम screen के ऊपर नहीं ले सकते. और last point है size of image. तो image की size क्या है, size of image it is always smaller than the object. तो इमेज क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या है, इमेज छोटी है. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है ये बड़ा है लेकिन उसकी इमेज जो है वो क्या है, छोटी है. एंड दिस इज द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर एक ही तरह की इमेज तैयार करते हैं, द लाइक दैट ऑफ द कॉन्केव मिरर, like that of the concave mirror, the nature of the image formed by the convex mirror is always smaller than that of the object and the image formed by the convex mirror does not depends upon the distance of the object from the mirror like that of the convex कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर में इमेजेस किस पे डिपेंड होते हैं, डिस्टेंस पे होंगे. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसकी इमेज तैयार होती है. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इमेज कहाँ पे तैयार होती है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या होती है,
बड़ी होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज तैयार होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कैसा है, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो उसकी छोटी इमेज मिरर के अंदर तैयार होती है, और कॉन्केव मिरर के अंदर जो इमेजेस तैयार होती है उसमें से कुछ इमेजेस जो है वो रियल होते हैं और उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज तैयार होती है वो स्क्रीन पे नहीं ले सकते, क्योंकि सभी इमेजेस जो है वो वर्चुअल होती है और वर्चुअल इमेजेस मिरर के अंदर होती है, इसीलिए उसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या डिफरेंस है फिर मैं आपको बताता हूँ। कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव मिरर के अंदर जो इमेजेस तैयार होती है वो इमेजेस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेजेस तैयार होते हैं वो ऑब्जेक्ट और मिरर के अंदर जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं होती है। ऑलवेज स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन बिहाइंड द मिरर, देयरफॉर द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। हमारे व्हीकल्स में रियर व्यू इमेजेस जो इसके मिरर के अंदर देखते हैं, यानी कि साइड ग्लासेस जो होते हैं, वो सभी कॉन्वेक्स मिरर से बनाए जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो उसकी छोटी इमेज जो है वो मिरर के अंदर तैयार होती है एट द सेम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।